अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। फिर तो खुल गया हाँ। लेकिन पुल किन कारणों से हाँ। प्रशासनिक गड़बड़ियों से डैमेज हुआ, इतना रुपया राशि लगने के बाद जनता को बताया गया द्वारा बनाया हुआ पुल बहुत पहले एक्सपायर था हाँ। लेकिन उसको तोड़ा गया जी। लेकिन ये पुल अपने आप बड़ी कमाई का पैसा हाँ। पुल में लगा वो पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ हाँ। ये किसका दोष है जी? सुशासन बाबू की सरकार है जी। बहुत ईमानदारी की जो विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन इतना रुपया और इतना जल्दी ध्वस्त कैसे हो गया? 91,000,000 रुपया लगा रुपया। बड़ी वाहन को रोक दिया गया। छोटे वाहनों को जाने दिया गया हाँ। खैर पुल की कोई कमी है तभी तो जाने नहीं दिया जा रहा है। कल तो हुआ है, अभी भी कमी है हाँ, अभी भी कमी है, इसीलिए तो बड़े वाहनों को रोका गया। चाचा की बात में जान है, बड़ी वाहनों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका गया? पुल में कमी है, सिवान के लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन अब प्रशासन के पास भी मजबूरी थी, इसी में खुशी है कि सिवान वासियों को राहत मिला, उनके राहत में हमको भी खुशी है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज, मैं हूं आपके साथ यासूब, आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें, एक लंबे इंतजार के बाद और लोगों की लगातार परेशानी के बाद आज सिवान DM अमित कुमार पांडे के आदेश के अनुसार 12 बजे दिन, जैसा कि उन्होंने बताया था कि आज 25 फरवरी 2022 को दहा नदी पुल खोल दिया जाएगा। आपको हम बता दें, लगातार बहुत सारी परेशानी हुई लोगों को, और आखिरकार परेशानी झेलने के बाद इस दहा नदी पुल का जो काम था वापस से उसे किया गया, और सही मायने में आज पुल की शुरुआत हो गई। आपको देख सकते हैं, पुल शुरू होने के बाद, आपको बता दें ये सिवान का लाइफलाइन, इसे कहा जाता था दहा नदी पुल को। और ख़ासतौर से आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से जो सीधे ये रास्ता एंटर करता है सिवान शहर में, यहाँ से आवागमन बंद था तो लोग दूसरे रास्तों से आया करते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानी हुई। इधर से ना ही बाइक, ना ही साइकिल, ना ही जो है वो बड़ी गाड़ियाँ, ना ही छोटी गाड़ियाँ, सबके गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई थी, चूँकि लगभग 5 महीने से ये पुल बंद था, लोगों को बड़ी परेशानी हुई। आप देख सकते हैं आज पुल खुला है और लोगों का आना जाना शुरू हुआ। इधर देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, अभी भी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे बस, ट्रक, उनके आने जाने पे अभी भी पाबंदी होगी। आप देख सकते हैं पुल खुलते ही यहाँ पर गाड़ियों का किस तरीके से, चूँकि इस पुल को, दहा नदी पुल को सिवान का जो है लाइफलाइन कहा जाता है, उत्तर प्रदेश से ये जोड़ता है, अब बंद होने से लोगों को बहुत परेशानी हुई। हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आज ये पुल खुला है, कैसा लग रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? आरके दोस्त। सर, लंबे अंतराल के बाद पुल वापस से शुरू हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बहुत बंदिश के बाद एक खुला रास्ता मिल रहा है। हाँ, अच्छा फील कर रहे हैं। बड़े परेशानी हुई होगी? हाँ, बहुत पहले परेशानी होती थी, जाम में हम लोग आधा आधा घंटा तक फंसे रहते थे, गाड़ियाँ इधर यहाँ गोपालगंज मोड़ से छूट जाती थी, तो अब अच्छा लग रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब प्रशासन को चाहिए कि ये दुरुस्त कर ले, अच्छा काम हो जाए तो सबको सहूलियत हो जाए। बिल्कुल, प्रशासन को अभी चाहिए कि यहाँ जो कांस्टेबल है उन्हें यहाँ लगाया भी जाए, और जो आवागमन है वो आसानी से, जो लोग गुजर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या कुछ कहिएगा, रास्ता फिर से खुल गया है? फिर से खुल गया हाँ। लेकिन पुल किन कारणों से हाँ। प्रशासनिक गड़बड़ियों से डैमेज हुआ, इतना रुपया राशि लगने के बाद जनता को बताया गया, पता चल रहा है कि ठेकेदार मर गया है। ठेकेदार मर गया है तो प्रशासन भी मर गया है जी। प्रशासन ने के लोग तो बनवाए ऐसा, कहीं ना कहीं करप्शन के पीछे का ये कारण है क्या? हाँ, करप्शन तो हुआ किया है इसमें, सारे लोग संलग्न थे तब पुल ऐसा बना। जानकारी चाह रहे हैं क्या कि क्या कुछ कारण रहा है कि इतनी जल्दी ये पुल टूट गया? हाँ, इतने जल्दी पुल टूट गया हाँ। अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ पुल बहुत पहले एक्सपायर था, लेकिन उसको तोड़ा गया जी। लेकिन ये पुल अपने आप, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, चाचा की बात में जान जरूर है। देखिए, आज से DM के आदेश के अनुसार पुल तो खोल दिया गया, लेकिन चचा का जानना है कि ये पुल किन कारणों से इतना जल्दी टूट गया? टूट गया तो आप जानना चाहिएगा? हाँ, जानना चाहेंगे तो ये जागरूक देश के जागरूक नागरिक, देखिए सवाल पूछ रहा है और सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जनता की बड़ी कमाई का पैसा हाँ। पुल में लगा लगा वो पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ हाँ। ये किसका दोष है जी? सुशासन बाबू की सरकार है जी, बहुत ईमानदारी की सरकार है जी। तो DM साहब से कुछ मांग करेंगे कि इसके क्या कुछ कहानी रही? नहीं, ये जनता के बीच कहा जा रहा है कि ठेकेदार मर गया है। ठेकेदार मर गया हाँ। लेकिन प्रशासन के लोग तो जिंदा है, किन किन कारणों से? ठेकेदार तो लूट नहीं लेगा हाँ। ठेकेदार तो
गलत नहीं बने, लेकिन देख रेख में जिन लोगों को बना वो लोग मरने, वो लोग तो मरे नहीं है जी जी, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शाहबुद्दीन साहब की कमी कुछ आपको लगती है क्या सिवान में? शाहबुद्दीन साहब की बात कमी लगती है, शाहबुद्दीन साहब के टाइम में डर था, भय था, जनप्रतिनिधि कोई ऐसा, उनके टाइम में विकास भी था। चाचा आप क्या मानते हैं? विकास जो हुआ अब वो जानते हैं, जनता जानती है। करप्शन का ये शिकार हुआ है, करप्शन का शिकार हुआ है, करप्शन तो आज भी है सब जगह। क्या मांग करना चाहेंगे बिहार सरकार से और अपने जो जो आपके लोकल जनप्रतिनिधि हैं, क्या मांग करना चाहिएगा? हम जनप्रतिनिधियों को मांग करना चाहिए कि यह सवाल पूछना चाहिए विधानसभा में, जिन लोग जनप्रतिनिधि है जो विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन इतना रुपया और इतना जल्दी ध्वस्त कैसे हो गया? 91,000,000 रुपया लगा रिपेयरिंग में। इसके अलावा एक और पुल बना था जो उद्घाटन के दूसरे रोज ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हो गया, कहीं ना कहीं करप्शन है, करप्शन व्याप्त है। अब पुल तो खुल गया है चाचा, कैसा लग रहा है? आना जाने में आसानी होगी फिर से? अब आसानी हो रही है, आसानी हो रही है। तो अब बड़ी वाहन को रोक दिया गया, छोटे वाहनों को जाने दिया गया। खैर पुल की कोई कमी है तभी तो जाने नहीं दिया जा रहा है, कल्पन तो हुआ है, अभी भी कमी है। हाँ अभी भी कमी है, इसीलिए तो बड़े वाहनों का रोका गया। चाचा की बात में जान है, बड़ी वाहनों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका गया? पुल में कमी है, कमी अभी भी है। आने वाले दिनों में पुल डैमेज हो सकता है, बड़े वाहन चलेंगे। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? गणेश राम। चाचा आपने कहा कि जो शाहबुद्दीन साहब का, तो शाहबुद्दीन साहब की दूरंदेश नजर थी, जो वो पुल अगर बना दिए, अगर वो पुल नहीं रहता तब जनता को समझ में आता कि किस कितनी मुसीबत कितनी परेशानी झेले हैं। पांच महीना फिलहाल तो वही काम आया है लोगों को, लोगों को उनके दूरंदेश नजर थी कि वो पुल बना चुके थे, इसलिए उतना लोग नहीं झेले। सही बात है। चलिए भैया, पुलवा आज से खुल गया है, क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे क्या, पहले से बेहतर हो गया, खुल गया। अच्छा, बहुत परेशानी हुई होगी बीच में 5 महीनों में? 5 महीने का 5 महीने से ज्यादा हो गए। सब परेशानी हुई? परेशानी ही परेशानी था। चलिए अब खुल गया, अच्छा लग रहा है ना? अब खुल गया तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं लोगों को अच्छा लग रहा है, सही मायने में बहुत समय के बाद ये पुल खुला है, लोगों का परेशानी जो है उनकी परेशानी दूर हुई है सही मायने में। चूंकि ये सिवान का लाइफलाइन कहा जाता है, और आपको बता दें उत्तर प्रदेश और सिवान को जोड़ने वाला जो ये मेन रास्ता है, तो कहीं ना कहीं ये बंद था, जिससे लोगों को परेशानी हुई है काफ़ी समय के बाद, 5 महीने से भी ज़्यादा का समय रहा। और आखिरकार आज 25 फरवरी को डीएम साहब के आदेश के बाद ये पुल 12 बजे दिन से खुला है। अभी भी कुछ काम लगा हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत ये है जैसा कि चचा ने बोला कि बड़ी गाड़ियों के ऊपर पाबंदी अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगाया गया है कि जो बड़ी गाड़ियाँ वो ना जा पाएँ। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि बड़ी गाड़ियों को क्यों रोका गया, और रिपेयर पुल हुआ है तो अभी भी लगता है उस तरह से नहीं हुआ है कि बड़ी गाड़ियों को जाने दिया जाए, आने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि इसके पीछे की कहानी क्या कुछ रही है, और आखिरकार ये इतनी जल्दी पुल ध्वस्त कैसे हुआ, सवाल अभी भी ये बना हुआ है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद, और बहुत सारी परेशानी लोगों को हुई है, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद ये पुल की शुरुआत हो गई है। सिवान का लाइफलाइन कहा जाता है इस पुल को, दाह नदी पुल को, आज इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, सिवान से बिल्कुल एक चर्चित ट्रैफिक इंचार्ज हैं शाहजाद शाहजहां खान, इस वक्त इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लंबे समय के बाद इस पुल की शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? लोगों को, सिवान के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा जी, लेकिन अब प्रशासन के पास भी मजबूरी थी, कोई उपाय नहीं था जी। हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के काफ़ी प्रयास हुआ, वो लोग बहुत तेजी में चाह रहे थे, और उन्हीं का ये प्रयास का देन है कि इतना जल्दी हुआ ना। तो पुल फिर भी लोग, बहुत समय लग गया सर, लगभग 5 महीने का समय हो गया। ये पुल की बात है ना, कोई मकान तो है नहीं। अभी भी सर बड़ी गाड़ियों को आने जाने पे रोक जी, अभी रोका गया है, बड़ी वाहन पे रोक है, जो लाइट व्हीकल्स है वो अलाउड है। सर दोनों साइड थोड़ा सा मलबा बहुत सारा रखा हुआ है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? अभी बस ऐसा है ना, अभी आज चालू करना, तो चालू आदेश है जिलाधिकारी का, तो आदेश है, चालू हो गया, अब वो काम अभी हो ही रहा है, जो अगल बगल का थोड़ा बहुत काम बाकी है ना, वो रात तक कल तक हम लोग करते हैं। बिल्कुल, आपकी टीम आज खास तौर से लगी होगी पूरी तरह से? बिल्कुल, हम तो सुबह 7 बजे से लगे हैं। लगे हुए जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बता दें हमको इसी में खुशी है कि सिवान वासियों को राहत मिला, उनके राहत में हमको भी खुशी है, राहत में आपको खुशी है। बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों, शाहजहां खान साहब लगातार सिवान में चुस्त दुरुस्त, और इनके आने के बाद बिल्कुल जो ट्रैफिक रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा राहत मिली, और बिल्कुल सख्ती से निपटने का काम करते हैं शाहजहां खान साहब। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये पुल शुरुआत हुई है, और
कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हुई लोगों को। आप देख सकते हैं काफी दिनों बाद ये पुल खुला है। इसके ऊपर काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भरपूर काम किया है, वो लग के उन्होंने कहा जाए उनकी मेहनत है। इसमें बहुत सारे पत्रकार भी शामिल है और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं।